डॉन लीक्स का मामला बिलाखिर हल हो ही गया। वजीर आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के बाद ISPR ने ट्वीट वापस ले लिया। वजारत दाखिला के ऐलामी में कहा गया है कि तारिक फातमी और राव तहसीन को ओहदों से हटा दिया गया। मीडिया को कौमी सलामती के बारे में कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की हिदायत। ISPR की प्रेस रिलीज किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं थी। 29 अप्रैल का ट्वीट सिर्फ अधूरे नोटिफिकेशन पर किया गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हुकूमत और फौज को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया। वजीर आजम फाइनल अथॉरिटी हैं और उनके अहकाम पर अमल दरामद होना चाहिए। न्यूज लीक्स फौज और हुकूमत नहीं, कौमी सलामती का मामला था। कौम जानना चाहती है कि मामले में ऐसा क्या था जिससे हल कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द अमल, रिपोर्ट सामने लाने का भी मुतालबा। मुखालफीन सियासत करें लेकिन अवाम के मुंह से निवाला ना छीने। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ननकाना साहब में मोटरवे मंसूबे की तकरीब से खिताब में जारहाना अंदाज, तनकीद करने वालों को मोटरवे की सैर की दावत भी दे दी। तेहरान के इल्जामात बेबुनियाद, मुशीर खारजा सरताज अजीज का कहना है कि जैश उल अदल के ज्यादातर अनासिर ईरान के अंदर फैले हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ सॉफ्ट बॉर्डर की तजवीज मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। अदालत उस्मा का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने वाज़ह किया है कि अदलिया को तस्दीक का निशाना न बनाया जाए।